आज के इस वीडियो में हम हेप्टोग्लोबिन सिरप के बारे में बात करेंगे। इस सिरप को डॉक्टर आपको कब कब देते हैं, कितनी मात्रा में लेना चाहिए, खाने से पहले या खाने के बाद में लेना है, कितने लंबे समय तक आप इसको ले सकते हैं, इसके क्या नुकसान रहते हैं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो हम बात करते हैं कि हेप्टोग्लोबिन सिरप डॉक्टर आपको कब कब दे सकते हैं। तो हेप्टोग्लोबिन जो सिरप है उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि किसी भी महिला को या पुरुष को हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है या ब्लड की कमी हो रही है, चाहे वो रेड ब्लड सेल्स के द्वारा हो या फिर आपका एनीमिया यानी कि आयरन की कमी के कारण हो, कोई सा भी ब्लड की कमी हो रही है उसमें इसको दिया जाता है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं। अगर हम इस सिरप के बारे में बात करें कि इसमें क्या क्या मिलाकर किसको बनाया गया है, तो इसमें आयरन होता है, फोलिक एसिड, B12, प्रोटीन और भी कई सारे इंग्रेडिएंट्स रहते हैं जिनको मिला करके इसको बनाया जाता है। अगर हम बात करें कि इसकी कितनी मात्रा लेनी चाहिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपका वज़न कितना है और आपको क्या प्रॉब्लम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब भी आप ले तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले ले। पर अगर आप एक एडल्ट व्यक्ति है यानी कि आपकी जो उम्र है 18 साल से ऊपर है, वज़न 40 किलो से ऊपर है या 40 तक है, तो आपको 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाने के आधे घंटे पहले लेना चाहिए, क्योंकि आयरन का एब्जॉर्बेशन खाली पेट लेंगे तो बेहतर रहेगा। अगर आप खाने के बाद में इसको लेते हैं तो हो सकता है कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो, ऐठन हो, इस तरह की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। इसको लेना कितने लंबे समय तक है, तो ये हो सकता है कि आपको एक ही बोतल लेना हो 2 महीने या 3 महीने, जब तक आप जिस प्रॉब्लम के लिए ले रहे, चाहे आपको खून की कमी है, चक्कर आते हैं, कमजोरी लगती, अगर एक बोतल पीने से ठीक हो गई और आपने दोबारा से अपना ब्लड टेस्ट करवाया, अगर उसमें जो भी कमी थी आपको वो पूरी हो गई, तो फिर आपको इसको बंद कर देना चाहिए, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करें कि इसको कब कब डॉक्टर आपको प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, फोलिक एसिड की कमी हो गई, या फिर आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया जो कि रेड ब्लड सेल्स के कारण होता है, कोई भी तरह का एनीमिया हो गया, है ना, यानी कि ब्लड की कमी किसी भी तरह से हो रही है आपकी बॉडी में, इसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा थकावट रहती है, चलने में सांस फूलती है, थोड़ा भी चलते या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो एकदम से सांस फूलने लगती है, हाँफने लग जाते हैं, आपका शरीर का जो कलर है वो चेंज हो रहा है यानी कि पीला पड़ रहा है या बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो रहा है, तो ये ब्लड की कमी के साइन रहते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको देते हैं। कई बार हम जो रिपोर्ट करवाते हो तो बिल्कुल नॉर्मल निकलती है, पर हमारी बॉडी में जैसे बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में दर्द, थकावट रहना, सिर दर्द रहना, चक्कर आना, जब हम ज़मीन पर बैठे रहते और अचानक से खड़े होते तो हमारी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है, या फिर हम सोए हुए बहुत देर से और अचानक से उठ करके बैठ जाते हैं, वहाँ भी अंधेरा छा जाता है, कि कोई लोग तो ऐसे सिर पकड़ लेते, ऐसा लगता है कि सारी ज़मीन घूम रही है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कई बार धुंधला सा दिखने लगता है, कई बार हमें पोषण की कमी के कारण भूख अच्छे से नहीं लगती, डाइजेशन पोअर हो जाता है। तो इन सभी डिजीज़ में इस सिरप को देते हैं। कई बार आपका कोई तरह का ऑपरेशन हुआ है, उसके बाद में आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है, हीलिंग जल्दी करना है, या फिर आपको कोई तरह का ब्लड लॉस ना हो, बहुत ज़्यादा थकावट ना रहे, आप एकदम तंदुरुस्त रहे, तो इन सभी कंडीशन में हम हेप्टोग्लोबिन सिरप को दे सकते हैं। इनके अलावा कुछ कॉमन और भी रहते हैं, जैसे कि कोई महिला प्रेग्नेंट है तो क्या हम इसको प्रेगनेंसी में दे सकते हैं कि नहीं, तो प्रेग्नेंट फीमेल के लिए बिल्कुल सेफ रहती है, पर अपनी मर्जी से नहीं लेना, अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो ही आपको लेना है। और जो महिलाएं बच्चे को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती, वो महिलाएं भी इसको ले सकती है, क्योंकि उस दौरान हमें खाने के पोषण की ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि बच्चा दूध पीता है, हम बराबर खाना नहीं खा पाते, या महिलाएं घर के काम में ही इतनी ज़्यादा उलझी रहती है कि अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाती या फिर अपनी डाइट अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाती, तो ये सभी जो कमजोरी आती है, अंदरूनी कमजोरी, डिलीवरी के बाद की कमजोरी हो गई, बच्चे को दूध पिला रहे, या आपकी कोई भी सर्जरी हुई XYZ, या आपको जो बच्चा हुआ है सिजेरियन हुआ है, ऑपरेशन से बच्चा हुआ है, आपका किसी भी तरह का ऑपरेशन हुआ है, तो
सभी के बाद में यानी कि पोस्ट सर्जरी भी हमें आयरन फोलिक एसिड देना पड़ता है, जिससे कि जो हमारा मरीज है वो बहुत ज़्यादा थकावट फील ना करे, बिल्कुल फ्रेश रहे और वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो इतनी कुछ बीमारियां रहती है जिसमें कि हम इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी बिल्कुल सेफ है और लैक्टेटिंग मदर को भी बिल्कुल सेफ रहता है। अब हम बात करें कि इसको लेना कितने लंबे समय तक है, तो वही है कि आप जिस डिजीज के लिए या जिस प्रॉब्लम के लिए ले रहे हैं अगर वो ठीक हो जाती है तो आपको इसको तुरंत बंद कर देना है। बंद करने से पहले भी एक बार आपको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए कि डॉक्टर साहब मेरी जो प्रॉब्लम थी मुझे काफ़ी रिलीफ मिल रहा है, अब मुझे आगे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो आपके डॉक्टर आपको बता देंगे कि आगे लेना है या फिर इसको बंद करना है। अब हम बात करें कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आपको दिख सकते हैं। अगर आप इसका ओवरडोज लेते हैं तो बिल्कुल भी नहीं लेना है कि मैडम ने तो 10 ml बोला, मैं तो 15 ml ले लेती हूँ, मुझे जल्दी ठीक होना है, तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। किसी दिन आप भूल गए, जैसे कि मान लो हमें जल्दी ऑफिस जाना है या ऐसा कोई काम आ गया, हमारे घर में कोई मेहमान आ गए और हमें 10 बजे लेना थी तो हमने नहीं ली, तो फिर हम क्या करें? दूसरे दिन 10 बजे क्या मैं 2 चम्मच की जगह 4 चम्मच ले लूँ इसको? बिल्कुल भी नहीं। आपको सबसे पहली बात तो गैप नहीं करना है। अगर आप भूल जाते कोई भी दवाई में तो आप अपने मोबाइल में या एक ऐसा अलार्म सेट करिए जैसे वो बजता है हमें ध्यान आ जाता है कि मेरा दवाई का समय हो गया है, कंटिन्यू लेना है सुबह और शाम दोनों टाइम। और आप किसी दिन भूल जाते तो इसकी डबल से या दोबारा खुराक नहीं लेना है, जो शेड्यूल आपका चल रहा है शुरू से वही शेड्यूल आपको अपनाना चाहिए। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो एक तो आपको ओवरडोज नहीं लेना है। अगर आप इसको लेते हैं तो आपको पेट में थोड़ी ऐठन हो सकती है, मरो टाइप का हो सकता है, मुंह का जो टेस्ट है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि इसको लेने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा मेटेलिक टेस्ट आता है या हमने लोहा चाट लिया या पालक की सब्जी ज़्यादा खा ली, इस तरह का टेस्ट आता है जनरली। तो इसको जैसे आप पीते हैं तो पीने के बाद में थोड़ा पानी पी सकते हो, जिससे कि वो जो टेस्ट हमारा मुँह ख़राब होता है वो ठीक हो जाए। इसके बाद में जो आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपका जो मल है वो काले कलर का हो सकता है, तो उसको देख के नहीं घबराना है। दस्त कभी पतले हो सकते हैं। कई सारे पेशेंट बोलते हैं मैडम हमारी तो लेटरिन काली आ रही है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें आयरन रहता है ना, तो उसकी वजह से इसका कलर चेंज हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको हेप्टोग्लोबिन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।